नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अनलॉक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि फोल्डर हाइड कैसे करें। हाइड करना यानी मतलब फोल्डर गायब कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। सिंपल, आपको पहले क्या करना है, हम सिंपल तरीके से देखते हैं। एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। न्यू फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर करके आइकॉन आ रहा है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और चेंज आइकॉन करेंगे। चेंज आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको उसका आइकॉन ऐसा सेट करना है कि जो गायब हुआ हो। देखिए यहाँ पे एम्प्टी आइकॉन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये आइकॉन, देखिए ये तीनों आइकॉन जो क्या है, एम्प्टी स्पेस के हैं, वो सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए नाम दिख रहा है लेकिन आइकॉन गायब हो चुका है, और यहाँ पे लेकिन इसका नाम दिख रहा है फिर भी। अभी इसका नाम भी हमें गायब करना होगा, उसके लिए आपको राइट क्लिक करके रिनेम करना होगा। रिनेम करने के बाद अपने कंप्यूटर पे Alt 255 ये की दबाइए और छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद एंटर दबा दीजिए और देखिए पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करके सिलेक्ट करूँ तभी ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मैं ओपन भी कर सकता हूँ। ये देखिए फोल्डर ओपन हुआ है लेकिन नाम भी कुछ नहीं है और इमेज भी दिखाई नहीं दे रही है। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, सिर्फ आइकॉन गायब हो गया है और यहाँ पे उसका नाम भी क्या हो गया है, गायब हो गया है, जो हमारे देख नहीं सकते हम, ठीक है। और दूसरी मेथड है, बिना आइकॉन के भी हम फोल्डर को गायब कर सकते हैं। कैसे, फिर से देखते हैं। एक न्यू फोल्डर तैयार किया हमने, उस न्यू फोल्डर के प्रॉपर्टीज में जाने का, उसके बाद आपको हिडन पे क्लिक करना होगा, हिडन ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और अप्लाई और ओके कर देना होगा। अब ये अप्लाई और ओके करने के बाद ये देखिए ये हिडन हो गया है लेकिन पूरी तरह से गायब हो नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, माई कंप्यूटर पे। उसके बाद अपने कंप्यूटर में, मेरा विंडोज 10 है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन है व्यू करके, व्यू में हिडन आइटम्स पे क्लिक कर देंगे। अगर हिडन आइटम्स हमने टिक मार्क अगर निकाल दिए, यहाँ पे देखिए जो फोल्डर था वो भी क्या हो गया, गायब हो गया। और हमें वो फिर से रिट्राइव अगर करना है, सिंपली फिर से यहाँ पे हिडन आइटम्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर देखेंगे, ये देखिए फोल्डर आ गया। लेकिन ये मेथड कब यूज़ होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे हिडन पे प्रॉपर्टीज में जाके ये हिडन ऑप्शन आपका ऑलवेज सिलेक्ट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। सिंपल हो मतलब बिना सिलेक्ट का हो तब ये वर्क नहीं करेगा। सिंपल ट्रिक है दोस्तों, विंडोज 7 में आपको अल्ट की दबानी होगी। अल्ट की दबाने के बाद आपको टूल्स सिलेक्ट करना होगा। टूल्स में फोल्डर ऑप्शंस में जाना होगा। फोल्डर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको व्यू पे क्लिक करना होगा। व्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा दिखाई देगा, डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, मतलब आप बिना शो करे मतलब आपको गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। इस पर अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए अगर ये मैंने हिडन कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करने के बाद गायब हो जाएगा। और फिर से दिखाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, व्यू पे जाना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा। तो सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप फोल्डर भी गायब कर सकते हैं हिडन करके, या पूरी तरीक़े से आइकॉन गायब करके और उसका नाम भी गायब करके पूरी तरह से गायब कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है दोस्तों, आप दोनों का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्राइवेट डेटा हो तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इस फोल्डर में आप अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और एक तरीका है दोस्तों कि आप ये दोनों मेथड यूज करने के बाद आप फोल्डर में भी फोल्डर बना सकते हैं, मतलब इस फोल्डर में हम दूसरा फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर को भी हम क्या करेंगे, हिडन कर देंगे। मतलब एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर और दूसरे फोल्डर को हम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, हिडन गायब कर देंगे। मतलब देखिए अब यहाँ एक फोल्डर है, इस फोल्डर को ओपन कर देंगे और इस फोल्डर में क्या है, आपका हिडन फोल्डर है। तो यह देखिए हिडन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद ही आपको दिखाई दे रहा है। ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही था इस वीडियो में। थैंक यू।